अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज यहाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर जितनी भी शानदार और इंटरेस्टिंग किस्म की मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वो सब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर होंडा सिविक आई हुई है जिसको क्रोम किट लगनी है कम्प्लीटली और साथ साथ इसकी कम्प्लीट फ्लोर मैटिंग का काम होना है। उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो यहाँ पर ये जो लैंड क्रूजर है इसके साथ तो बहुत ही शानदार किस्म की मॉडिफिकेशन हुई है, इसके बारे में मैं अभी कुछ ही देर में आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक सुजुकी कल्टस है, ओल्ड वाली जो शेप है इसकी बेसिकली पावर विंडोज़ कम्प्लीटली की गई हैं और साथ साथ इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम की इंस्टॉलेशन की जा रही है। और ये जो क्रोला है इसका भी अभी कुछ काम होना है, जैसे कि इस गाड़ी को डिटेलिंग किया जा रहा है तो ये अभी स्टूडियो के लिए मूव हो रही है, साइकिल मोटर्स के स्टूडियो में शिफ्ट करेंगे इसको और वहाँ पर इसका कंप्लीट डिटेलिंग का काम होगा। और ये जो गाड़ी है इसके साथ तो बहुत ही शानदार मॉडिफिकेशन हुई है, इसकी कंप्लीट बॉडी किट इसको RBS की ओरिजिनल थाईलैंड की इंस्टॉल की गई है, उसके साथ साथ इस गाड़ी की लाइट्स रॉको वाली लगाई गई है, बेसिकली थाईलैंड वाली रिवो है, इसको रॉको की लाइट्स लगाई गई हैं, इसका बम्पर चेंज किया गया है, इसकी ग्रिल चेंज की गई है RBS की ओरिजिनल एक्सट्रीम GT वाली, और इसके साथ साथ इसको ये फेंडर फ्लेयर्स लगाए गए हैं, टायर्स के अंदर स्पेसर रख के टायर्स को बाहर किया गया है फेंडर फ्लेयर्स के साथ इक्वल करने के लिए, इसके टायर्स रैप किए गए हैं, मिरर कवर्स लगाए गए हैं, फ्रंट पर ये लाइट्स आप देख रहे हैं इनकी इंस्टॉलेशन की गई है, साइड पर आ जाएं तो ये डोर मोल्डिंग्स इसको इंस्टॉल की गई हैं, उसके अलावा बैक साइड पर इसको रॉको की लाइट्स लगाई गई हैं, इसको ये रोल बार लगाया गया है, यूटिलिटी बॉक्स लगाया गया है, इसको PPF किया गया है, इसको पुलिस लाइट्स की इंस्टॉलेशन की गई है, हूटर साउंड सिस्टम इसमें ओरिजिनल JBL का लगाया गया है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई हुई है, बहुत ही शानदार किस्म की गाड़ी तैयार हुई हुई है और लुक आप इसकी देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन बीस्ट की तरफ, आप ज़रा इसकी सीट्स देखें, सीट्स की क्वालिटी देखें और इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है उसको देखें। ये कंप्लीट इंटीरियर इसका यहाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर ही डिज़ाइन हुआ है, इसको कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर में चेंज किया गया है इसके इंटीरियर को, तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट सीट्स की कोशिश की गई है इसकी। और सबसे मेन चीज़ कि आप ज़रा फिनिशिंग अगर इसकी सीट्स की देखें, ये देखिए जी फिनिशिंग देखें आप इसकी सीट्स की और क्वालिटी देखें, ये इम्पोर्टेड जैपनीज लेदर सीट्स के लिए यूज़ किया गया है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल ओरिजिनल लेदर के करीब तरीन होती है और जो गाड़ियों के अंदर फैक्ट्री से स्टॉक लेदर लग कर आता है ये बिल्कुल वही क्वालिटी है। तो अगर आप इसकी सीट्स देखें तो आप बिल्कुल जज नहीं कर सकेंगे कि ये गाड़ी के साथ ओरिजिनल आती हैं या आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई हैं। उसके अलावा इस गाड़ी का लेदर स्टिचिंग इसके स्टीयरिंग व्हील के होनी है और साथ साथ इस गाड़ी के अंदर अभी टेस्ला पैनल लगने का काम जारी है और रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर लगने का काम जारी है। तो ये तमाम गाड़ियों की मॉडिफिकेशन यहाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर की जा रही है और अगर आपने भी अपनी किसी गाड़ी की कोई भी किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करानी है तो आज ही साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड का विजिट करिए। मजीद तफसीलात के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या आप www.cyclemotorsports.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर अवेलेबल तमाम एक्सेसरीज पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पर भी मिल सकती है।